मास्टरी, राजनीति और पहलवानी। साइकिल से शुरू हुआ चुनाव प्रचार, जब गांव के लोगों ने मुलायम के लिए रखा उपवास, सियासत के पहलवान का पूरा राजनीतिक करियर। आज हम बात करेंगे सियासत के पहलवान, राजनीति के धुरंधर, यादव समाज के हीरो मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में उन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है। आज उनके जीवन से जुड़ा जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। देश में समाजवाद की लहर थी। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री भी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इस बीच वो साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वो क्षेत्र के गरीबों, किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वो तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और मुलायम को अपना शागिर्द बना लिया। साल 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। कहा जाता है कि उस वक्त मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने एक पुरानी अम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन तेल की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि पैसे थे नहीं। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहां से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल काची उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी है। वो दौर अभावों का था, लेकिन लोगों के पास खेती किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम हफ्ते में एक दिन एक वक्त खाना खाएंगे, उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर अम्बेसडर में तेल भराएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों की कमी थी। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। बस यही से मुलायम सिंह नेताजी हुए। 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक 3 बार वो मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वो राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। सन 1967, 74, 77, 85 और 79 में वो विधानसभा के सदस्य रहे। 1982-85 में विधान परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और साल 1992 में अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया।